देश में गहराते जल संकट पर कुछ दिन पहले रिपोर्ट हमने दिखाई थी, उसी से जुड़ी ये फॉलो अप रिपोर्ट देख लीजिए। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। एक कुआं जिसमें थोड़ा बहुत ही पानी है, वो भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस कुएं में उतरते हैं ये लोग। ये लोग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आने वाले टीकमगढ़ जिले के अटारिया गांव के निवासी हैं, लेकिन प्यास बुझाने वाला ये कुआं 3 किलोमीटर दूर पथराई गाँव के खेतों में है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। टीकमगढ़ के अटारिया गांव में 3-4 हैंडपंप हैं, लेकिन उनमें पानी सूखता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत पानी निकलता है वो पीने के काम आता है, बाकी स्रोत भी सूख चुके हैं, इसलिए रोजमर्रा के काम 3 किलोमीटर दूर इसी कुएं के पानी से होते हैं। सूखे से जूझते इस इलाके के लिए प्रशासन ने नल जल योजना शुरू की थी, पर कभी पूरी नहीं हो सकी। 20 अप्रैल को जल संकट से जूझते 6 राज्यों का दर्द घंटी बजाओ में हमने दिखाया था। सवाल उठाया था कि जिन सरकारों को जनता ने चुना वो पानी भी ना पिला सके, तो ऐसी सरकारों का क्या काम। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।